स्वयं सत्ता की पहचान एक बार जिस व्यक्ति को हो जाती है वह निर्भय हो जाता है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया, सत्य भय विप्रमुक्का। हम भयों से मुक्त नहीं हो पा रहे, भय ही दुख का कारण है, भय ही भावी दुखी होने का बीज है, भय ही हमारे अतीत की अपराधों की कहानी है। कोई व्यक्ति डर रहा है तो तीन काल बिगड़ रहे हैं। पहला काल बिगड़ रहा है कि उसने जरूर कोई अपराध किया है, तभी तो भयभीत है। निरपराधी कभी भयभीत होता ही नहीं है। कुंदकुंद भगवान ने श्री समय सार जी में एक ही बात कहा, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो इन नरकों से, क्यों डरते हो इन दुर्गतियों से, क्यों डरते हो इन कर्मों से, क्यों डरते हो इस दुनिया की भयानक विभीषिका से। ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस तुम निरपराधी बने रहना, फिर किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। क्या करें, क्या करेंगे, कौन क्या कर लेगा। एक बार हमने पुलिस वाले से पूछा, भाई आप अपराधी को कैसे पकड़ते हो, कोई आपके पास अवध ज्ञान है, कोई आपके पास मंत्र है या कोई मशीन है। बहुत अच्छा उसने जवाब दिया, महाराज हम लोग कुछ नहीं, हम लोग चौराहों पर खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं कौन हमें देख के डर रहा है। हम लोग जैसे दिखे उसने, आजा बेटा आजा आजा, और जो निरपराधी होता है ना वो हमें धक्का मार के निकलता है, वो यही नहीं देखता कि पुलिस वाला खड़ा है, क्योंकि उसको डर है ही। फिर मैंने उस बात को अपने पूज्य समय सागर महाराज जी, समय सार जो ग्रंथ है उससे तुलना की। मैंने कहा यही तो हमारे पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कह रहे, निरपराधी को कोई डर नहीं होता, और हमारे मन में यदि किंचित मात्र भी भय है, कहीं ना कहीं से हमें अपराधी होने का संकेत दे रहे, कोई ना कोई अपराध हमसे हुआ है, कोई ना कोई भूल हुई है। कई बार तो ऐसा होता है, भय तो लगता है लेकिन भूल पता नहीं चलती है ना। कई बार ऐसा लगता है, महाराज जी डर तो लग रहा है, तो बताओ भैया गलती क्या की। महाराज गलती तो नहीं की, वो पता भी नहीं मुझे, और वो झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। ऐसा नहीं कि वो बनावटी बोल रहा हो, डर तो लग रहा है, तो गलती क्या की तुमने, गलती तो समझ में आई नहीं, मैंने गलती तो कुछ की नहीं है, कहीं ना कहीं से हो चुकी है, हमारे ज्ञान ने उसको धारणा का विषय नहीं बना पाए। अवग्रह की भी गलती होती है, दर्शन की भी गलती होती है, देखने मात्र से गलती होती है, भली तुम्हें स्मृति रहे या न रहे, मात्र देखा था तुमने, यही अपराध हो गया। क्या देख लिया था, जो दुनिया दिखाना नहीं चाहती थी वह देख लिया, सामने वाले की अनुमति नहीं थी कि तुम मुझे देखो, फिर भी हमारी आंख ने देख लिया। बोलो सामने वाले को तुमने अनजाने में देखा, प्री प्लानिंग से नहीं देखा, आकस्मिक देखने में आया, लेकिन सामने वाला अपने को दिखाना नहीं चाहता, तुमने अनायास तुम्हारी आंख वहां उठ गई,
बोलो वो दुखी होगा कि नहीं, वो तो घबरा जाएगा कि नहीं, इसने देख लिया भले तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अनदेखा कर दिया, तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैंने कुछ देखा है, लेकिन सामने वाले को पता चल जाए कि इसने, तो वो तो घबराहट में चला ही जाएगा। अब वो अपराध तुम्हारे लिए लगेगा, तुमने देखा क्यों, मैंने प्लानिंग से थोड़ी देखा है, देखा तो है मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो क्या है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी कि एक व्यक्ति जंगल में, उसकी वो नियम था, पाड़े होते ना, पाड़े चराता था जंगल में, उसको एक दिन गड़ा हुआ हंडा मिला, वो खोद रहा था। एक व्यक्ति का नियम था, किसी तांत्रिक ने उसे बता दिया था कि तू सुबह उठते ही चंदूपड़ा का दर्शन करना, चंदूपड़ा का दर्शन। चंदूपड़ा बोलते हैं, पूरा तो काला है लेकिन यहाँ पर सफ़ेद वो बाल हो जाते ना, हाँ उसको बोल रहे हो, तांत्रिक वालों उसको विशेष महत्व देते हैं। तंत्र विद्या में ऐसे पाड़ों को विशेष स्थान मिलता है, क्योंकि प्रायः प्रायः भैंस पाड़े सब काले ही, और वो चंद्रमा पे यहाँ पड़ जाए माथे पर, तो ऐसे चंदूपड़ा का विशेष वहाँ तो तांत्रिक लोग इसके लिए खोजते, बहुत खोजते। उसकी कीमत बहुत होती है, उसको वो तांत्रिक लोगों को मिल जाए तो लाखों करोड़ों रुपया दे देते, क्योंकि उसका विशेष रूप से वो लोग प्रयोग करते। किसी ने बता दिया, भाई तो प्रतिदिन सुबह तेरे लिए फलानी तकलीफ है, चंदूपड़ा का दर्शन करना। अब वो करता था, एक दिन क्या हुआ कि वो लेट हो गया, वो पाड़ा निकल गया। अब वो दौड़ा, वो जंगल में पहुंच चुका था, और दूर से उसने चंदूपड़ा को देख लिया। देख करके बस हो गया उसका काम, भाई दर्शन हो गया। अब वो जो उसका ओरिजिनल ग्वाला था, उसने कहा इसने मुझे हंडा खोदते देख लिया, और ये लौट गया है अभी गांव में सब में, और अब ये सुंदर सुंदर, नहीं नहीं मैंने देख लिया, मेरा उधर देख लिया। अब वो क्या भैया, सुन तो सही, रोक तो सही भाई, रोक तो सुन। बोले नहीं नहीं मुझे जल्दी जाना है, मैंने देख लिया। अब उसने समझा कि हड़ा देख लिया, और ये कह रहा मैंने चंदूपड़ा देख लिया। उसने बहुत चिल्लाया, भाई आधा ले लेना, आधा ले लेना। अब वो जाकर के उसने कहा ये तो बर्बाद कर देगा, गांव में डंडोरा पीटेगा। वो हंडे को लेकर के उसके घर पहुंच गया, भैया सुन तो ले, भाई क्या आधा ले ले तू, जो देना है तू दे, कम से कम कहना तो मत किसी से। बोले क्या? बोले तूने देख लिया ना ये हंडा खोदते हुए? बोले मैंने कुछ नहीं देखा। तो बोले ये हंडा खोदते देख लिया तूने, इसलिए भैया तू ले ले, अपन दोनों बांट ले रहे, काय को हल्ला कर रहा है। उसने कहा ओहो, ये सब चंदूपड़ा के दर्शन का परिणाम है। तांत्रिक ने कहा मैंने कहा था ना, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी तू चंदू। अब देखना, उसको पता नहीं है कि इन्हें देख लिया, सामने वाले को पता चल गया कि इसने देख लिया, ये क्या अपराध नहीं है? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष व्या तद विशेषा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, ज्ञात और अज्ञात का भी कर्म का बंध होता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कहीं मेरे अज्ञात कारण से तो कोई तकलीफ में तो नहीं हो रहा है, अज्ञात कारण से। ज्ञात से तो ठीक है, ज्ञात के तो अपन
प्रयास करते ही हैं, कर रहे हैं, करना चाहिए। पर ये भी देखो कहीं मेरे कारण से सामने वाला दुखी तो नहीं हो रहा है, मेरे देखने मात्र से उसकी क्या हालत हो जाएगी, वो तो भयभीत हो जाएगा, घबरा जाएगा। इसलिए भली तुम्हारी नियत साफ हो लेकिन हर चीज को देखने की आदत मत डालो, आंख झुका के चलो। महावीर स्वामी हम लोगों से कहते हैं आंख झुका के चलो। क्यों, मेरी आंख बुरी है क्या, क्या मैं बुरा देखूंगा? आप मेरी आंख झुकाने का अर्थ है कि भगवान महावीर स्वामी को अपने मुनि महाराज पर संदेह है, देख तू देखा मत कर, तेरी आंख बहुत बुरी है, बताओ भैया बताओ घबरा देखो, हमारी आंख बुरी है हैं? नहीं तो फिर क्यों मना किया, क्यों मना किया कि तुम नीचे आंख झुका के चलो, नासा दृष्टि करके बैठो, इधर उधर मत देखो, डब डब चरियाए। क्यों, किसी पापी से कहते, किसी उद्दंड से कहते, जिसकी नजर बुरी है, बुरी दृष्टि है, उससे कहते बात बनती है? घोड़े को तो लगाम लगाना बनता है, वो आंखों में लगा देते ना, तो यहां लगाम क्यों, क्यों? मैंने इस पर बहुत विचार किया, क्योंकि सब तरफ से तो मन भी पावन है, वचन भी पावन है, और सामने वाला चाहता भी है कि महाराज की दृष्टि मेरे पर पड़ जाए, तो भी कहते नहीं, नीची दृष्टि करो, कम देखो, मत देखो। क्यों ये परहेज, क्यों? ओहो, बहुत बड़ी चीज। जैन दर्शन कहता है तुम्हारी दृष्टि पवित्र है, तुम पवित्र हो, तुम्हारा अभिप्राय पवित्र है, लेकिन सामने वाला पवित्र नहीं है, वो तो घबरा जाएगा, क्योंकि वो अपवित्र कार्य कर रहा है, और उस अपवित्र कार्य को मुनिराज की पवित्र दृष्टि ने देख लिया, वो मर जाएगा। है? तुम लोग जो कुछ करते हो कोई तुम्हारा जैसा देख ले तो तुम्हें कोई डर नहीं है, और तुम्हारा कोई गलत कृत्य मुनिराज देख ले उस समय तुम्हारी क्या हालत होती है तुम ही बता दो। मान लीजिए तुम अपन कोई उदाहरण ले लेते हैं, कोई गलत चीज आप खा रहे हैं, एक्स वाई जेड, चाट के ठेले पे खड़े इतने ही ले लो, बहुत अच्छा उदाहरण आ जाएगा, शायद सबको समझ में आ जाएगा, है ना? और आप खा रहे हैं और सब देख रहे हैं कि नहीं पूरा बाजार, और महाराज ने और देख लिया बेटा, तो और भैया आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, उसी समय महाराज निकले और मैं चाट खा रहा था। अब देखो भयभीत हो गए, तुम डर गए, महाराज जा रहे थे, गुटखा खा रहे थे, तुम शराब पी रहे थे, अब वो व्यक्ति इतना डर गया, इतना डर गया, ओहो महाराज ने देख लिया, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, अब देखना अंतराय देखना कितना पड़ गया, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, अब महाराज से मैं आंख मिला ही नहीं सकता, अब तो भैया मामले गड़बड़े सब कुछ हो गया, क्योंकि आज मुझे महाराज ने देख लिया। महावीर ने कहा भगवान ने कि देख तेरी दृष्टि बुरी नहीं था, तेरा सब कुछ अच्छा था, लेकिन सामने वाला इतना बुरा था, बुरा आदमी सदा पवित्र दृष्टि से बचता है। बुरे आदमी को बुरा आदमी देख ले तो कोई गम, लेकिन अच्छे बुरे आदमी, अच्छे बुरे आदमी कह रहा हूँ, कौन से
अच्छा आदमी है लेकिन बुरा है, वो डरता है कि महाराज नहीं देख ले, मैं महाराज को मेरी बात पता ना चल जाए, मेरी बात मेरी जानकारी महाराज के पास ना पहुंच जाए। तो तुम क्यों जानकारी रख रहे हो, वो दुखी होगा तुम्हारे पास उसको पता चलते ही। यदि मैं पूछ, हम लोग क्यों नहीं पूछते, क्योंकि हमें मालूम है हम तुम्हारे संबंध में पूछेंगे किसी से, उसको पता चल गया कि महाराज जी को मेरी जानकारी हो गई, बोलो उसकी क्या दशा होगी। सोचो कभी ऐसा हो तो तुमने क्यों पता किया, तुम्हें क्या पड़ी थी, तुमने क्यों जानकारी ली, देखो उसकी हालत क्या हो रही है। सारे जगत को पता था तब तक उसको घबराहट नहीं थी, जब उसे पता चला अच्छा महाराज जी को भी पता चल गया मेरी बात कि मैंने शराब पी है, व्यक्ति चुल्लू भर पानी डूबेगा। बहुत बार बार लोग यही सोचते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा की दृष्टि में न गिर जाऊं, गिरे हुआ तो मैं रहूंगा लेकिन दृष्टि में ना गिर जाओ। कितना भी व्यक्ति पापी क्यों ना हो, उसका एक प्रयास रहता है मैं अपने अच्छे लोगों की नजरों में, मैं भगवान की नजरों में ना गिर जाऊं, गुरु की नजरों में ना गिर जाऊं, पवित्र आत्मा भले मैं पापी रहूं दुनिया में नरक जाऊं तो चला जाऊं लेकिन नजरों में नहीं। इसलिए हमेशा महावीर ने कहा नहीं देखो मत, नीचे देखो, सामने वाला नहीं चाहता कि आप मुझे देखें, इसलिए आप भाव बिल्कुल भी नहीं है, आपकी धारणा भी नहीं है, लेकिन आप देखना मत, ऐसे देखना मत, देखना नहीं, देखने का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि सारा जगत तुम्हारे सामने इतना निर्भय हो जाएगा कि उसको कोई विकल्प ही नहीं आएगा, वो रही दृष्टि नहीं। एक बहुत बड़े संत हुए, ग्रस्त संत थे, बिना नाम लिए बता रहा हूं, उनके पिताजी थे ग्रस्त अवस्था, बेटा बचपन से ही बहुत शांत प्रवृत्ति किया था। एक नदी किनारे तालाब किनारे कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी अर्ध वस्त्रों में, जैसे ही वो पिताजी निकले, उनकी उम्र होगी 80 साल के लगभग की, जैसे ही वो पिताजी निकले सारी महिलाएं सावधान हो गई, शरीर को वस्त्रों से ढक लिया, सावधान हो गए। दूसरे दिन की घटना कि उनका बेटा आगे निकल रहा था, बेटा निकला जो जवान था प्रौढ़ था, वो सामने से बिल्कुल पास में से निकल गया, किसी महिला ने कोई हरकत नहीं की, किसी महिला ने कुछ भी कोई ना तो भय हुआ ना वस्त्रों को संभाला, जिस स्थिति में नहा रही थी वो नहाती रही और बिल्कुल सामने से यूं निकल गया। पिताजी को विकल्प आ गया कि मेरे जैसे बुढ़े को देख कर और ये मेरा ही बेटा जवान इसको देखकर, उन्होंने सब महिलाओं को बुलाया, बोले देवियों रहस्य क्या है, ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप, मेरी उम्र तुम इसकी उम्र में क्या, तुम मेरी पोतियों जैसी हो, तुम मेरी पोतियों जैसी हो, फिर भी तुमने मुझे देख करके ऐसा क्यों किया। बोले पिताजी अब आपने पोती कहा है तो हम दादाजी कह देते, आपको इतना तो पता हुई है
कि हम अव्यवस्थित वस्त्रों में नहा रहे थे और हमने वस्त्रों को व्यवस्थित किया, ये तो आपके ज्ञान में आया ना? बोले आया। आप अपने बेटे को बुलाइए। बोले बताइए आप घाट पे कौन नहा रहा था? बोले मुझे तो यही पता नहीं कि वहाँ कोई नहा भी रहा था कि नहीं, मैं तो नीची दृष्टि करके जा रहा था, मैंने तो ना आजू देखा है ना बाजू देखा है। पुरुष नहा रहे कि महिलाएं नहा रही, वस्त्रों में है कि कैसे अव्यवस्थित में है, मुझे तो कुछ पता नहीं पिताजी, मैं तो नीची गर्दन करके भगवान की भक्ति करता हुआ अपनी भक्ति में चला जा रहा था। उन महिलाओं ने कहा, देखा पिताजी, दादाजी इतना अंतर है, तुम्हें ये भी मालूम है कि यहाँ नहा रहा है कोई, तुम्हें ये भी मालूम है कि महिलाएं नहा रही हैं, तुम्हें ये भी मालूम है कि अव्यवस्थित वस्त्रों में नहा रहे हैं, तुम्हें ये भी मालूम है कि हमने वस्त्र संभाल लिए हैं, और ये आपका बेटा है इसको ये भी मालूम नहीं है कोई नहा भी रहा है कि, इसको तो अपने लक्ष्य से मतलब है, क्या देखना है यहाँ पर, इसको क्या लेना देना है, हमारा रास्ता है आगे का रास्ता देखो ना। इस कथानक को पढ़ करके हमें जैन दर्शन के महावीर स्वामी की वह नासा दृष्टि का चमत्कार समझ में आ गया। क्यों देखते हो, क्या पड़ी है, तुम बाजार में देखने के लिए निकले हो या रास्ता तय करने के लिए निकले हो, कहीं जाने के लिए निकले हो या बाजार घूमने के लिए निकले, सही बताओ। महावीर ने पूछा हमसे, तुम कहीं जाने को निकले हो या बाजार घूमने निकले हो? बाजार घूमने की अनुमति तो है नहीं, मंडी तक जाने की अनुमति जरूर है। तो मंडी तक जाना है तो मंडी जाने का रास्ता देखते जाओ, इधर उधर क्यों देख रहे हो, क्यों देखते हो? तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे देखने से सामने वाले को परेशानी हुई कि नहीं, उनको लज्जित होना पड़ा कि नहीं, जो कुछ भी किया तुम अपनी दृष्टि ऐसी बना लो कि सामने वाले को कोई परेशानी नहीं जाए, तुम सामने से निकल जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इधर उधर देखते ही नहीं है, उसे मंजिल मालूम है, मुझे रास्ता मालूम है, बस रास्ता देखना ही जिसका लक्ष्य है, आजू बाजू से कोई मतलब ही नहीं, अज्ञात। जैन दर्शन की सबसे बड़ी खोज, मैं उस बात पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, बुरा मत देखो, उस पर उपदेश नहीं दे रहा हूं, बुरी नजर से मत देखो, बुरे भाव से मत देखो, आज महावीर स्वामी की उस दृष्टि पर बता रहा हूं, तो मत देखो, सारे विशेषण हटा दिए ना, बुरा मत देखो, नहीं वो नहीं कह रहा हूं, वो तो अपन सब जानते हैं, हर व्यक्ति कहता है भाई बुरा देखना चाहिए या नहीं, सबको मालूम नहीं देखना चाहिए, महावीर स्वामी कहते हैं अब ये बुरा मुरा शब्द हटाओ, देखो मत, देखो मत, नासा दृष्टि करो, क्यों, मेरी आंख पवित्र है, मैं 80 साल का बुढ़ा हूं, मैं सब तरफ से वयोवृद्ध हूं, सब तरफ से वयोवृद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, तत्व ज्ञानी हूं, भीतरागी हूं, मेरे मन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। महावीर ने कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, तुम जो हो वो तुम हो, लेकिन जिसको तुम देख रहे हो वो वह नहीं है, उसकी स्थिति क्या होगी, उसको क्या मालूम तुम्हारा अंतरंग क्या है, इसलिए उन्होंने कहा
नासा दृष्टि करो, यही तुम्हारी वीतरागता की पहचान है। यानी तुम्हारे देखने से सामने वाले को पीड़ा नहीं होना चाहिए, सामने वाला दुखी नहीं होना चाहिए। पर जो जैन दर्शन ने किया बहुत बड़ी सोच। अपन क्या कहते, उसको बुरा लग रहा तो करे मैं आंखें फोड़ लूंगा, आंखें फोड़ लूं क्या, हमारी तो आंखें हम तो देखेंगे, आंखों में पट्टी बांध लूं क्या, क्या करूं। हाँ बांध लो, बांध लो। सामने वाले को तकलीफ है क्योंकि सामने वाला गंदा है और वो भक्त है, ये और ले लीजिए। और सबसे ज्यादा खतरा भक्तों को है, सबसे ज्यादा खतरा किन को है, भक्तों को। क्योंकि महाराज ना देख ले, जो भक्त नहीं उसको तो खतरा ही नहीं, वो देख ले तो क्या करना पड़ा, क्या जाए। सबसे ज्यादा खतरा किन को है कि महाराज ना देख ले मैं, हाँ हो कहते जाओ क्योंकि वो भगत है ना, और महाराज को नहीं मानता, हो गया महाराज देख भी लेंगे तो अपना क्या फर्क पड़ता है। भक्त सबसे ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे देखने से भक्त काम पायमान हो जाएगा, किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा, मंदिर भी बंद हो जाएगा कि मेरी बात महाराज को वो भैयावती करने भी नहीं आए। अनजाने बन जाओ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, एक सच्चे गुरु का लक्षण कहा है। उनको सब मालूम है लेकिन वो अपनी पूरी हरकत ऐसे करते हैं जैसे सामने वाले को पता चले कि महाराज को कुछ भी मालूम नहीं है। आप लोग मुझे भोला भंडारी समझते हो, और मेरे पास एक एक की कुंडली है, मेरे पास एक एक की कुंडली है, लेकिन तुम जब नमस्ते करते हो तो क्या मुस्कुरा के आशीर्वाद देता हो, तुम सोचते हो महाराज को कुछ पता नहीं है कि हमारे जेब में गुटखा रखा है, कर लेते। और हमें भी मालूम है कि हमें बुद्धू समझ रहा है, और हम भी यही चाहते हैं कि तू बुद्धू समझता रहे, नहीं तो भाग हो जाएगा। जब तक तू महाराज को बुद्धू समझ रहा है तो कम से कम पास आ रहा है, किसी दिन तो धोखे से जेब से पुड़िया मेरे सामने गिरी जाएगी, पकड़ा ही जाएगा अपने आप। और पहले से पता चल गया कि महाराज को मालूम है तो पट्टा आएगा ही नहीं, नजर में ही नहीं आएगा। अपराधी को इतना डर ना हो जाए कि वो फरार हो जाए, समझना, अपराधी को इतना डर ना हो जाए कि वो फरार हो जाए। अपराधी एक दिन ऐसा हो जाए कि वो स्वयं समर्पित हो जाए, स्वयं होगा होगा, एक ना एक दिन होगा। क्योंकि चोरी और पाप कभी ना कभी तो उजागर, क्योंकि इनकी ज्यादा लंबी यात्रा नहीं होती, उसको मौका दो, छोड़ दो फ्री, जानते हुए 12 साल गजब की एक कहानी अपने शास्त्रों में आती। 12 साल तक वारिसेन महाराज पुष्पडाल को जानते रहे कि ये पुष्पडाल सही नहीं है, मन भी सही नहीं है, विचार भी सही नहीं है, और ये दीक्षा तो जबरदस्ती हो गई इसकी, ये लेना भी। 12 साल तक वो एक ही बात पर सोचता था, वारिसेन को पता नहीं चल जाए तो बढ़िया सामायिक करता था महाराज के सामने, बढ़िया प्रतिक्रमण करता था, क्रिया में कहीं गलती नहीं करता था, जिससे कि महाराज को पता नहीं चल जाए कि मैं बनावटी मुनिराज हूं, मैं अंदर से हूं ही नहीं। और अंदर से पूरा खोखला था, कुछ नहीं था, नंगा था, बस पीछे का मंडल लिए था, लेकिन महाराज को ऐसे दिखाता था
और महाराज भी अनजाने बने रहते थे, उनको सब मालूम था। और भारीसेन महाराज तद्भव मोक्षगामी, बड़े निमित्त ज्ञानी, अवध ज्ञान हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक क्षण की क्रिया उसको मालूम थी, लेकिन भारीसेन के सामने, वो पुष्प डाल के सामने बिल्कुल अनभिज्ञ बने रहे। उससे ऐसा व्यवहार करते जैसे कि वो, हाँ आज बहुत अच्छी सामाय की आपने, इतनी अच्छी तो मेरी ही नहीं हो पाई। अरे वाह, तुम बहुत अच्छा प्रतिक्रमण करते हो, देखो यहाँ वहाँ भी नहीं देखते हो। वो खुद के महाराज हमें बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं महाराज। और अंदर से जो है सो है महावीर की, वो महाराज को बुद्धू समझ रहा है कि महाराज को कुछ पता नहीं है। और महाराज की पहचान है कि भक्त के सामने बुद्धू बने रहना उसके दोषों के संबंध में, नहीं तो सुसाइड कर लेगा, नहीं तो फरार हो जाएगा, धर्म से इतनी दूर भागेगा कभी तुम्हें सुधारने का मौका भी नहीं। अनजाने बन जाओ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। गजब का जब मैंने ये चित्रण पढ़ा, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 12 साल, 12 साल तक छोड़ा नहीं, 12 साल तक नकली मुनि को असली मानते रहे। और वो पुष्प डाल ये मानता रहा कि मेरे भारीसेन मित्र को मेरे संबंध में कुछ भी पता नहीं है, महाराज तो मुझे सब कुछ अच्छा मानते हैं। 12वीं साल में जाकर कहा, महाराज थक गए कि देखो भाई अब तो बहुत ज्यादा हो गई, मैं बुद्धू कब तक बना रहा हूं और इसी के लिए कब तक सुधार कर रहा हूं, कुछ हमें भी तो अपना कल्याण। तब अंतिम शस्त्र अपनाने के लिए बोले, अब क्या करें, ये तो मेरे में ढलने वाला है नहीं। बहुत समझा दिया, बहुत इनडायरेक्ट समझा दिया, लेकिन इसके परिणाम में अपने परिवार का मोह नहीं जा रहा है, परिवार के प्रति इसका मोह नहीं टूट रहा है। इसकी एक आंख की पत्नी एकाक्षी, उसके प्रति राग जाग रहा है। बारह साल के बाद उसने कहा, ये मेरे में तो नहीं ढला, शायद एक बार में इस जैसा होके देखता हूं। तो पुष्पडाल से भारीसेन एक दिन सुबह उठ के कहते हैं, पुष्पडाल देख, तू मेरा शिष्य भी है और मेरा मित्र भी है, और तुझे मालूम है कि मैंने आज तक कभी कुछ छुपाया, लंगोटिया यार थे सब एक साथ, देख तू मुझे सब बताता है, कोई भी अंदर की बात हो सब बता देता है, और मैं भी तुझे बताता हूँ। 12 साल से मैं एक बात छुपाए बैठा हूँ, मैं अब तू नहीं, तू 12 साल से मेरे से छुपा के बैठा, ये नहीं कहा, क्या कहा, मैं तुझसे 12 साल से छुपाए बैठा हूँ। देख किसी से कहना मत, देख भाई तू कहना मत, मित्र है मेरा, ध्यान रखना। और सारी दुनिया का खुला चिट्ठा तुम्हारा किसके पास रहता है, दोस्तों के पास रहता है खुला चिट्ठा। देख 12 साल हो गए, देख पर बोल दे, पहले कहेगा तो नहीं किसी से, मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। कौन बोले, अब वो उसने समझा ये तो सब मेरी जैसे इनकी हालत है, अब देख रहा उसमें मिल जाओ उसमें, मुझे अपने घर की बहुत याद आती है, मम्मी की भी याद आती है, और 32 रानियां थी उनकी, उनकी भी याद आती है। और वो राजकुमार, मैं राजकुमार था, राजपाट की याद, मैं तो फंस गया मुनि बन करके,
12 साल हो गए मुझे घुटते घुटते, मैंने तुझे बताई नहीं। अंत में कहा है कोई भी अंदर की बात हो मित्र को बता देना चाहिए, विपत्ति काल में मित्र काम आता है। इससे बताओ दोस्त क्या करे। पूरी नकल जितनी उसको यादें थी जो सब ऐसे के जैसे बिल्कुल एक से ही हो। अरे ये तो सब मेरी बातें हैं, यही तो मेरी दशा है, यही तो मेरी दशा है। उसने कहा मित्र तुम्हारे मन में ये भाव, तो धीरे से पूछा यही अभी तक उगलवा नहीं पाया था, यही तो मेरी दशा है, यही तो मेरी दशा है, मेरा भी मन नहीं लग रहा। अब सब हुआ, अब दोनों का चिट्ठा क्या हो गया, चोर चोर दोनों एक से हो गए। अब क्या करें, अब क्या करें। बोले देख भाई तेरे घर तो मैं पहले जाऊंगा नहीं, तू ऐसा कर तू मुझे अपने मेरे घर छोड़ता हुआ चला जा, और मैं भी तेरा काम भी हो जाए। अपन अभी तीसरे को तो कुछ पता है ही नहीं, अपन दोनों ही को पता है चलते हैं। उधर वारिसन ने किसी के द्वारा समाचार भेज दिए महारानी चेलना। वारिसन भगवान महावीर स्वामी की मौसी के बेटे थे। महारानी चेलना कौन थी, मौसी थी, और वारिसन उनके पुत्र थे। माँ से कहना मेरा राज दरबार सजा के रखे, हमारी रानियाँ अपने श्रृंगार से युक्त होकर राजभवन में आए, मैं राजभवन में आ रहा हूँ। महारानी चेलना सुनते ही उसके तो कांटे खून में, मैंने क्या सुना था कि मेरा बेटा तद्भव मोक्षगामी है, मेरा बेटा केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, और आज ये क्या सुन रहे हो। क्या निमित्त ज्ञान भी झूठा होता है, क्या मुनियों के वचन झूठे होते हैं, क्या महावीर स्वामी की वाणी झूठी होती है। खुद वाणी में आया कि वारिसन मोक्ष प्राप्त करेगा, और ये दशा। कहते हैं कि माँ का दूध माँ को सत्य का ज्ञान करा देता है। शाम में हल्ला मच गया कि वारिसन पुनः राजगद्दी पर लौट रहे हैं, मुनि पद से पतित हो गए। महारानी चेलना की आत्मा की आवाज ने कहा नहीं, जिस बेटे को मैंने दूध पिलाया है वो भ्रष्ट नहीं हो सकता। लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को सब स्पष्ट ही हो रहा है। उन्होंने खुद कहा है रानियों को प्रस्तुत किया जाए राजमहल में राजगद्दी के ऊपर। अब नारी तो नारी है, हो सकता है भाई, लेकिन अंदर की आवाज ने कहा मैं कानों सुनी व्यर्थ मानती हूं, मैं खुद आंखों से देखूंगी। उसने सब तैयारी कर ली, वारिसन पुष्प डाल के साथ आए और महारानी ने 2 सिंहासन लगा के रखे थे, एक राज सिंहासन और एक लकड़ी का सिंहासन। 2 सिंहासन लगाए, लकड़ी का सिंहासन और एक राज सिंहासन जो होता है ना स्वर्णमय, लगा के बैठे और महारानी बाजू में खड़ी हो गई। देखता हूं क्या, दोनों की हरकत देख रही है महारानी माता। वारिसन चुपचाप गए लकड़ी के पाटे पर पीछी लगाई, पीछी लगाते ही माँ को शांति मिल गई कि मेरा बेटा अभी तक तो भ्रष्ट नहीं हुआ, यदि भ्रष्ट हो गया होता तो लकड़ी के पाटे की तरफ क्यों जाता, इसका सिंहासन तो ये है, राज सिंहासन तो ये है और इसको मालूम भी है
पहला तो साहस हो गया कि लकड़ी के पाटे की तरफ गया, और दूसरा हुआ पीछे से परिमार्जन किया। माँ संत तुरंत समझ गई कोई ना कोई रहस्य है, भ्रष्ट के ये लक्षण नहीं होते। भ्रष्ट के तुरंत आते ही भ्रष्ट होता तो मेरे पैर छूता, तुरंत आते ही मेरे गले से लग जाता, जैसे उसकी आदत थी। ये तो कहीं से बाहर आता था, सबसे पहले माँ के पैर छूता था, गले लग जाता था, गोदी में बैठता था। इसने तो अपनी कोई हरकत नहीं की, मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, कोई सम्माननीय नहीं, कोई पैर छूना नहीं, कुछ नहीं, और जाके सिंहासन पर लकड़ी के बैठ गए। और पुष्प डाल तो ओरिजिनल भ्रष्ट था, तो अब एक ही खाली बचा था, तो वो पट्ठा जाके उस पर बैठ गया राजगद्दी पर, और महसूस कर रहा राजगद्दी पर। रानियां बुलाई गई, आई रानिया, पुष्पडाल देख के चकित रह गया। बोले मित्र क्या बात है, तो मित्र बड़े इतनी रानियां ऐसा वैभव। बोले हाँ मित्र, मैं इन सब को छोड़ करके गया हूं, और मैं यहाँ भ्रष्ट होने नहीं आया हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ कि देखो इतना सब पा करके मैं सुखी नहीं रहा, तुम्हारे पास तो एक छोटी सी कुटिया ही है। जो संबोधन दिया तुरंत पुष्पडाल चरणों में लौट गया, वारी सैन का काम हो गया, पिछी कमंडर उठाया। माँ कहने लगी बेटा थोड़ा तो देख जा। बोले माँ तुम्हारे पास नहीं आया था, अरे बेटा आहार तो कर जा, नहीं आहार तो श्रावक के यहाँ होगा, माँ के यहाँ। कहने का भाव पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने इस कथा को 2000 वर्ष पहले लिख करके कितना बड़ा संदेशा दिया कि तुम अपनी दृष्टि को इतने अनभिज्ञ बन जाओ दुनिया के पापों से और पापियों से, हमें कुछ बोलो, हमें कुछ पता नहीं, सब पता है। महावीर स्वामी मौन हो गए। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे महावीर मौन होते गए। अधजल गगड़ी, थोता चना, बाजे घना, थोता थोता गुना, गुना चना क्या होता है, बसता बहुत है। थोता चना बाजे घना, और जो बादल ज्यादा गरजते हैं ना, वे ऐसा कहते हैं मुहावरा है ना, जो बरसते हैं वो, और जो चुपचाप बादल होते हैं वो बहुत बड़ी चीज मान। सब कुछ जानकर अनजाने बन जाओ। महावीर का ज्ञान बढ़ता गया, अभी मौन होते गए। वहां उनकी महावीर की दृष्टि बढ़ती गई, उनकी दृष्टि छोटी होती गई। वीतरागी का लक्षण, सम्यक ज्ञानी का लक्षण, इंद्री निरोध, मन निरोध, इंद्रियों को प्रसार से रोकना, शक्ति बढ़ती गई, आंखों की ज्योति बढ़ती गई, और भगवान की दृष्टि छोटी होती गई। ज्योति इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि यहाँ बैठे हुए सूर्य के बिंब के दर्शन कर ले, और दृष्टि इतनी छोटी हो गई कि चार हाथ से ज्यादा देख ही नहीं रहे। देख कितना सकते हैं और देख कितना रहे हैं, तुम्हारी हार और बता दो। देख सकते हो चार हाथ, और देखने के लिए चार हाथ तो दिख नहीं रहा, और 100 हाथ देखने की चेष्टा कर रहा है।
और उनको 100 हाथ दिख रहा है लेकिन वे दृष्टि छोटी होती गई। जैसे महावीर की आंखों में ज्योति बढ़ती गई उनकी दृष्टि सूची होती गई। जितना ज्ञान बढ़ता गया वे मौन होते गए। हमारा ज्ञान बढ़ता है हम चुप नहीं बैठते, बोलते रहते बिना काम के बोलते रहते, जैसे ये पंकज बोलता रहता है, इसका बोलते ही रहता है। कोई कुछ कर रहा हो तो कह रहा है हाँ ये करो, अरे वो तो कर ही रहा है भाई, क्यों कर रहा है करो। एक मिनट चुप बैठ जाए तो मुझे बहुत कठिन है, और यदि मैं टोक भी दूं ना तो एक मिनट चलता है बस, वो पौन मिनट में ही वो तो वो महावीर स्वामी का ज्ञान बढ़ता गया। दीक्षा के पहले 3 ज्ञान थे उनके पास, 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और दीक्षा लेती 4 ज्ञान हो गए। 4 ज्ञान होते ही मौन हो गए, बोले अब नहीं बोलूंगा। क्यों? बोले मुझे दूसरों के मन की बात पता चलने लगी है, अब नहीं बोलूंगा। अवध ज्ञान तक बोले लेकिन अवध ज्ञान लगाया नहीं। तीर्थंकरों के पूरे जीवन काल में अवध ज्ञान होता है लेकिन वे अवध ज्ञान बहुत कम लगाते, बहुत कम प्रसंगों में लगाते ही नहीं। वो कहते नहीं, अवध ज्ञान वो खतरनाक चीज है जो दुनिया नहीं बताना चाहती, वो भी मैं जान जाऊंगा, और किसी को पता चल गया कि मेरा घड़ा हुआ हड़ा इनको तो मालूम है। मना परे ज्ञान होते ही तीर्थंकर घबरा गए, मुझे ये खतरनाक ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या खतरनाक? कि मैं दूसरे के मन की बात जान सकता हूं। उनका ये तो खतरा हो गया। दूसरे की मन की बात को जानना बहुत बड़ा अपराध है महानुभाव, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो अपने मन की बात उजागर करना चाहे। मन की बात बोलो भाई, आप लोग बोलो। मैं एक यहां मशीन लगा रहा हूं जिसमें किसके किसके मन में क्या क्या है वो सब आ जाएगा। उस मशीन के पास कौन आना चाहेगा बोलो। मड़ो भैया जी, और महाराज जी मत लगाओ, देखो आप नहीं मत, महाराज जी देखो यदि मेरी मशीन लगा दी तो ऐसी ऐसी बातें आएंगी, आप आशीर्वाद भी दे। मेरे अब गुण नचितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। क्या है, क्या कहना चाहते हो आप भगवान से? भगवान देखो मेरे अंदर की बातें मत जानो, मैं बहुत खतरनाक। आपको पता चलते ही आप आशीर्वाद तो दूर है, पास भी भटकने नहीं दोगे। कोई नहीं चाहता, बेटा भी नहीं चाहता कि मेरे मन की बात मेरी माँ को भी पता चले, माँ को भी पता चले। बेटा भी शुरू से छुपाना चाहता है, माँ को भी पता नहीं चले, पूरी ताकत लगाता है छुपाने का। कौन जानना चाहता है? और मुझे वो दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई है कि मैं दूसरे के मन की बात जान सकता हूं। ओहो, उससे सारी दुनिया डरेगी, कांपेगी, किसने मन की बात पता करके और उजागर कर दिया तो सब लोग मेरे से डर जाएंगे, सब लोग मेरे से भागेंगे। तो उन्होंने कहा मैं मौन लेता हूं, लोगों में शांति आ गई, अब खतरा नहीं है। अब जानेंगे ही तो, ये कम से कम जान तो लेगा लेकिन बोलेगा नहीं। तीर्थंकर मौन ले लेते क्योंकि वो ज्ञानी है। मात्र कारण उनके मौन रहने का, ज्ञानी है क्योंकि वो दूसरे की मन को जान सकते हैं, उन्होंने मौन ले लिया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं दूसरे के मन की जान करके किसी से मुंह से निकाल दूं।
क्योंकि वो ज्ञानी थे, मेरे जानने से वो दुखी हो जाएगा, मेरे जानने से वो परेशान हो जाएगा, वो घबरा जाएगा कि प्रभु को मेरे अवगुण पता चल गए। बस यही पंक्ति तुम पूजा में पढ़ते हो, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद, मेरे अवगुणों की तरफ मत देखो भगवान, मत देखो, आपको मेरे से घृणा हो जाएगी। आप बहुत पावन हैं, बहुत पवित्र हैं, तुम जैसा कोई पावन नहीं, और मैं जैसा कोई पापी नहीं। तुम जैसा कौन होगा पावन, और मेरे जैसा पापी और कौन होगा? पापी की और पुण्यात्मा की संबंध कैसे बनेगा, कैसे बनेगा दोनों का संबंध? और मुझे संबंध बनाना है, इसलिए प्रभु मेरी विनती है, मेरे अवगुण बस, मेरे अवगुण देखना बंद करो, अपनों विरद, आपका स्वरूप है पापियों का उद्धार करना, तो आप तो मेरा उद्धार कीजिए। मौन हो गए महावीर, तीर्थंकर, सारे तीर्थंकर मन पर यह ज्ञान होते ही मौन हो गए। हमें सोचना है, देखना है, कहीं अज्ञात भाव से हम किसी को दुखी तो नहीं कर रहे हैं, अज्ञात भाव से। पवित्र दृष्टि तो कहीं हमें दूसरे के लिए दुखी तो नहीं कर रही है। मेरी पवित्र नजर, मेरा पवित्र ज्ञान कहीं दूसरे को दुखी ना कर दे। अपवित्र ज्ञान नहीं, अपना प्रसंग यही चल रहा था ना शुरू, मेरी पवित्र आंख उसको देखने पर वो दुखी हो जाएगा। पवित्र आंख को संभालो, अपवित्र को नहीं कह रहा हूं आज मैं, बुरी नजर वालों से नहीं कह रहा हूं, अच्छी नजर वाले थोड़ा कम देखो। कौन? अच्छी नजर वाले थोड़ा कम देखो। साधु से कहा, देखो मत, क्योंकि तुम्हारी नजर अच्छी है। गांधी जी ने क्या कहा था और महावीर ने क्या कहा? नहीं, देखो ही मत। बहुत आगे की थी, उन्होंने कहा बुरा मत देखो। महावीर कहते हैं नहीं, बुरा मत देखो, ये तो बहुत छोटी सी कहानी हो गई, छोटी क्लास की है, तुम अच्छा भी मत देखो, अच्छी दृष्टि से भी मत देखो, क्योंकि सामने वाला सबसे ज्यादा अच्छी दृष्टि से डरता है, अच्छे व्यक्तियों से डरता है, क्योंकि वो तुम्हारा भगत है, क्योंकि वो तुम्हारा है, वो तुम्हें मानता है कि तुम मेरे भगवान हो, गुरु हो, माता पिता हो, इसलिए दृष्टि घुमा लो, दृष्टि घुमा लो, अनजाने बन जाओ बारिश शरण जैसे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उद्धार कर दोगे, कभी कभी दोषों को अनजाना करने से सामने वाले का उद्धार हो जाता, सामने वाले का उद्धार हो जाता है अनजाने बनने से, और जानकार बनने से वो डूबेगा तो डूबेगा और बैर और साध लेगा, बैर और साध लेगा, और ऐसा बैर साधेगा या तो तुरंत ही निपटा देगा। केस हुआ था एक अच्छी दृष्टि वाले ने बुरा कृत्य करते हुए उसको देख लिया, और सब ने देख लिया, उसको कोई आपत्ति नहीं थी, अच्छे आदमी ने देख लिया, उसने उसका मर्डर कर दिया, उस सज्जन का मर्डर कर दिया। बोले क्यों किया? क्योंकि इतना अच्छा आदमी था और इसने मेरे लिए, मैं इसकी दृष्टों में नहीं गिरना चाहता हूं, और उसने मुझे देख लिया, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। इसलिए महानुभाव, बुरी दृष्टि वाले तो लोग मरते ही हैं, अच्छी दृष्टि से भी मत देखो,
नहीं तो मर्डर भी हो सकता है। महावीर की ये खोज, तुम भले सुख दुखी नहीं हो लेकिन वो दुखी हो सकता है, तुमने भले अच्छे से जाना है लेकिन उसको दुख होता है कि मेरे संबंध उन्होंने क्यों जान लिया। अज्ञात भाव तो अपना मूल प्रसंग था। कहीं से यदि हमें भय लग रहा है तो निश्चित समझना कोई ना कोई अपराध आपसे हो चुका है। महाराज याद तो आ नहीं रहा है, मेरे से कोई अपराध नहीं हुआ, याद ही नहीं आ रहा, मुझे तो पता ही नहीं है, भय बता रहा है। अतीत के किए हुए अपराध किसके ज्ञान में है? पूर्व भवों में किए हुए अपराध किसके ज्ञान में है? बोलो, नहीं है, बताओ। प्रवचन के बाद तुम मर सकते हो। महाराज जी क्या बोल दिया आपने? भय लग गया ना, भय लग। महाराज जी आपने और कह दिया, आफत तो ये है, और कोई कहता है तो मैं टाल देता है। भय लग गया। नियम है यदि निरपराधी होगा, बोले महाराज जी ने कह दिया, मैं मरूंगा ही नहीं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को मारा ही नहीं, अगले भाव का भी मुझे मालूम है। तीर्थंकर से कह दो वो नहीं मारे, वो भाई सी लोगे, वो कहते हो ही नहीं सकता, मैं कैसे मरूंगा, मैं जब ही मरूंगा जब मेरी आयु कर्म पूर्ण हो जाए। आयु कर्म के पहले मैं मर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी जीव को मारा ही नहीं, मैंने कभी किसी की अकाल मौत की नहीं है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वो निडर होकर के चला जाएगा, वो कहता मरूंगा तो आयु कर्म के छह से मरूंगा, डरने की क्या बात है। और हमने कहीं अज्ञात भाव से किया है, भली हमें याद नहीं आ रहा है लेकिन हमारा भय बता रहा है कहीं ना कहीं अपराध हुआ है। जब जब आपको किसी भी चीज में डर लगे, समझ लेना अपराध हो चुका है। कभी मन से, कभी वचन से, कभी कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना, अन्यथा हो ही नहीं सकता। भय नाम का कर्म है, कर्म बंद हुआ है तो कोई ना कोई राग द्वेष हुआ। अब इसके क्या तरीका? इसका एक ही तरीका है, निरपराध बुद्धि। भय से मुक्त होना है तो निरपराधी होना पड़ेगा, और निरपराधी ज्ञात अज्ञात सबसे करो मन से भाव। मैं ऐसी कोई बात का स्मरण नहीं करूंगा जिससे मेरे स्मरण करने से सामने वाले को दुख हो जाए, उसको पता चल जाए कि महाराज मेरा फलाना व्यक्ति मेरा मन में ध्यान रख रहा है, स्मरण रख रहा है, मेरा नाम याद रख रहा है मन में, सामने वाला दुखी हो जाएगा, छोड़ दो, निकाल दो मन से बात। मैं ऐसी बात मन में याद नहीं रखूंगा जिससे सामने वाले को दुख हो जाए। बहुत बड़ी साधना का आज बहुत बड़ा प्रवचन की गहनतम है, अध्यात्म को छूने के लिए। मैं कौन हूं उसकी सिद्धि की जा रही है, मेरे अधिकार क्या है, मेरा चमत्कार क्या है। कल प्रसंग आया था, परसों कहा था, मैं कौन हूं, जो कुछ भी है उसके अधिकार क्या है, उसकी शक्तियां क्या है। क्यों देखते हैं हम भगवान की शक्तियां? क्या हम भगवान से कम हैं? क्यों देखते हैं हम दुनिया की शक्तियां? हमारे पास जो है उस शक्ति में कोई ना कोई ऐसा है जो उसके पास नहीं है, जिसको हम बड़ा कह रहे हैं। कल सिद्ध किया था ना, मैं भगवान नहीं हूं, ठीक है, लेकिन भगवान भी तो भक्त नहीं है। संसार में दो चीजें, भक्त और भगवान। मैं भगवान नहीं हूं, भगवान आप भक्त नहीं हो,
एक में तो नहीं लगी है, मैं भगवान नहीं हूं और आप, आपके नाम में आपके आपके लिए कोई काम में नहीं आता और आपका नाम मेरे लिए काम आता है, ये कम है क्या? आपका नाम, आपका नाम, होली आ रही है, उड़ाओ भगवान की मजाक, आपका खुद का नाम खुद के काम नहीं आता और आपका नाम मेरे पग पग पर काम आता है। ये शक्ति, कल मैंने कहने के बाद चिंतन का, मैंने भगवान से भी कह दिया भगवान आपकी शक्तियां हैं और आपके काम नहीं आती हैं, आपके चरण हैं आपके काम नहीं आते हैं, आपका खुद के चरणों का गंधोदक आपके काम नहीं आता है और हमारे इतने काम आता है कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते हैं। आपके चरण हैं, आपके चरणों की रज है, आप लगा लो तो कुछ नहीं होने वाला और हम लोग लगा लेते हैं तो तदपाद पंकज रजो मृत प्रत्या भवंती मकरद ध्वज तुल्य रूपा। क्या है, इन शक्तियों को पहचानो, सारे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं अपन लोग, भगवान को भी दिखा देंगे कि आपके भक्त की भी कोई बकत है, आपको भी पता चलेगा कि हमारी कितनी शक्तियां हैं। आज सारे नाम को, आपके नाम का चमत्कार हम भक्तों ने सारी दुनिया में उजागर कर दिया, आपके चरणों के गंधोदक को आपने नहीं, अब भगवान ध्यान रखना, आपने नहीं, आपके चरणों के गंधोदक में क्या शक्तियां हैं ये आप प्रैक्टिकल नहीं दिखा सके और हमने सारे जगत को दिखा दिया। आज हर मंदिर में शांति धारा हो रही है, बोलो भगवान की बदौलत की अपनी बदौलत, अपनी बदौलत, आप सबकी बदौलत, भगवान की बदौलत, वो दिखाई नहीं सकते। इसलिए हमने कल कहा था कि अपनी जो तुम हो उसकी शक्तियां पहचानो, बहुत ताकत है महानुभाव। मत समझो कि मैं प्राइमरी स्कूल में हूं, प्राइमरी स्कूल की भी बहुत बड़ी कीमत होती है, कम मत समझो आज, बस समझना है हमारे लिए कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे लिए उन तक पहुंचने की बात सोचना है और उसके लिए सबसे पहले मैं कौन हूं और मेरी शक्तियां, तुम जो सोचोगे वह होगा, बस एक नियम लेना है आज, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा जिससे सामने वाला दुखी हो जाए। उसको पता चलते ही वो घबरा जाए कि महाराज मेरे मन में मेरा नाम ले रहे थे, महाराज महाराज मेरे नाम की याद कर रहे थे, मेरे संबंध में सोच रहे थे। बोलो होता है ऐसा कि नहीं, कोई डाकू गुंडा हो, चोर हो, उसे पता चल जाए आज वो तुम्हारा नाम याद कर रहा था, इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ चौकड़ी निशाने पर है और अभी पता चल जाए आचार्य से आपकी चर्चा कर रहे थे, बोल दो ना, बस इतना सा करना है, बस इतना सा करना है, तुम्हें मन में वह सोचना है, उसके संबंध में सोचना है जिसको ये पता चल जाए कि मेरे संबंध में फलाना व्यक्ति सोच रहा है, बस वो आनंद से भर जाए, पुण्य से भर जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, बस अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा क्योंकि मेरा नाम उनके मन में आ गया, वो मुझे याद कर रहे थे, उनकी स्मृति में मैं था, बस उसको स्मृति में मन का विषय बनाओ, निकाल दो उस मन की सारी किताबें, सारे चिंतन निकाल दो, जिसके चिंतन करने से उसको पता चल जाए तो वो भयभीत हो जाए।
दुखी हो जाए, निकाल दो मन में, चिंतन ही नहीं करना, सोचना ही नहीं, अन्यथा ये मुंदी चोट है, दो चोटें होती है, एक चोट मुंदी होती है और एक उजागर चोट क्या होती है, तुमने उसको गाली दी उसने तुम्हें दी, निपट गया। मुंदी चोट क्या होती है, ऊपर से तो हाँ थैंक यू वेरी मच, देखता हूँ बेटा मतलब होता है ना, ऊपर से क्या होता है अपन बहुत अच्छा अपना पोज, और अंदर से इसको कैसे काटना है, इसको कैसे करना, बहुत खतरनाक चीज है, महान भाव निपटा दो एक बार, कम से कम उसमें उसको बचने का मौका तो है, लेकिन अंदर अंदर ये मुंदी चोट है। ना तो मुंदी चोट किसी को मारना और ना मुंदी चोट अपने अंदर रखना, नहीं मन में नहीं निकालो। यदि उसको पता चलेगा कि मैं ये चिंतन कर रहा था, बस मोटिवेशन मंत्र लें, सूत्र बनाए, मैं जो चिंतन कर रहा हूँ, मेरे चिंतन जिसके संबंध में भी हो रहा है, यदि उसको पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा, बस यदि तुम्हें लगे वह अपना अवभाग्य समझेगा तो उसको चिंतन करना, तुम्हें लगे कि वो दुर्भाग्य समझेगा, महान भाव दिमाग से निकाल दो, स्लेट साफ कर लो, कोई तुम्हारे प्राण भी लेवे तो भी मत बताना, तो भी मत सोचना मुझे इसके संबंध में मालूम है, मत सोचना, एहसास ही मत होने ना किसी को, एक ही बात कहना मुझे कुछ मालूम नहीं है, फिर देखो तुम्हारा मन, तुम्हारी वो शक्तियां, से भगवान को भी पूछना पड़ेगा, हनुमान ये बता तेरा पत्थर क्यों तैरता है, पूछना पड़ेगा उनको कि ये भक्त बता तेरे मन में ऐसा क्या करता है तू, मैं खुद नहाऊं तो गंदा हो जाएगा, पानी गंदा निकले और तू जल ढालता है तो गंदो तक होता है, ऐसा क्या पड़ता है तू, क्या मंत्र है, पूछेंगे भगवान, बस एक बात अपन को सोचना, नजर हम नहीं देखेंगे, बुरी नजर वाले को नहीं कह रहा हूं आज, किसको कह रहा हूं, अच्छी नजर से भी नहीं देखूंगा महाराज, अच्छी नजर से क्या बात है, नहीं देखूंगा, क्योंकि अच्छी नजर को देखते ही उसको बुरा लगेगा, वो नहीं चाहता है कि महाराज मुझे देखें, वो नहीं चाहता है कि महाराज की नजर इधर पड़े, नहीं देखना, नहीं देखना, हमारी नजर वहां पड़े जहां जिसका रोम रोम धन हो जाए, खुश हो जाए, हम क्यों क्या हमारी ज्योति बेकार है, क्या हम ऐसे ठलुआ है, अरे ये आंख बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, उन लोगों को तरस रहे हैं जो कह रहे हैं कि महाराज की एक बार दृष्टि पड़ जाए, और हम वहां देख रहे हैं जो छुपना चाहता है, जो दिखाना नहीं चाहता उसको देखना चाहते हैं, अरे जो दिखना चाहते हैं उनको देखो ना, वे धन्य हो जाएंगे, हम उनको देखना चाहते जो हमसे कहाँ छुपाए, कहाँ छुपाए, कहाँ छुपाए, छील छुलूर खेल रहे हो, अरे उनको देखो जो कह रहे हैं कि महाराज इधर देख लो मेरा जीवन धन हो जाएगा, इसलिए महावीर ने कहा सब कुछ मत देखो, तुम पवित्र हो, तुम शुद्ध हो, तुम भीतरागी हो, तो भी तुम्हें नहीं देखना, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे देखने से अनजाने बनने कहा है, महाराज ने देख लिया है, कोई पूछ महाराज आपने देखा, मुझे कुछ पता नहीं, देखा नहीं क्या, बोले नहीं, झूठ बोल देना, झूठ बोल देना नहीं, तो आंख तो खुली थी आपकी, आंख खुली थी मेरा उपयोग दूसरी तरफ था,
लेकिन मुंह से ये मत निकाल देना कि मैंने देखा है, क्योंकि तुम्हारे देखने से उसका सर्वनाश हो जाएगा। कानों से नहीं, वो बातें मत सुनना जिससे दूसरे व्यक्ति को सुनाने पर दुख हो जाए। अच्छा महाराज को ये सुना रहा था, नहीं सुनना। हमारे आचार्य महाराज नहीं सुनते। बहुत मेरे गुरु का एक इतना बड़ा गुण है, दूसरे लोग कई लोग चुगली करते हैं, महाराज जी वो फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा था, तो आचार्य से कहते हैं भैया वो कह रहा था तुम क्यों कह रहे हो, यदि उसको मुझे सुनाना होती तो वही आके सुना जाता, तुम दलाली क्यों कर रहे हो। जब वो सुनाना नहीं चाहता है तो फिर मैं सुनना क्यों चाहूं। जब वो रिपीट करो, जब वो मुझे सुनाना नहीं चाहता है तो मैं सुनना क्यों चाहूं। अभी वो मर गए क्या जो महाराज को सुनाने के लिए लालायत बैठे हैं। बोलो भीड़ कितनी है, सुनाने वाले महाराज को सुना करके अवभाग्य मानने वालों की संख्या कम पड़ गई है। तो हम उनकी क्यों सुने जो सुनाना नहीं चाहते। हमारे तो अभी भक्तों की इतनी लाइन है कि उन्हीं की पूरी नहीं सुन पाया मैं। चार चतुर्मास में भी अभी सबकी नहीं सुन पाया हूं। कितने लोग परेशान है, महाराज जी 2 मिनट तो सुन लो। हम उन भक्तों की नहीं सुन पा रहे हैं जिनके सुनने से उनका जीवन धन हो जाता है, पर हम उनकी क्यों सुने जो हमें सुनाना नहीं चाहते। क्यों सुने, कान बेफालतू है क्या। बहुत उपयोगी है, बस जो हमें सुनाना नहीं चाहते वो बातें हम नहीं सुनेंगे। किसी के संबंध में मुझे बात सुनाई जाएगी, पहले हमें सोचें क्या वह मुझे सुनाना चाहता है, मेरे सुनाने पर उसको खुशी होगी तो सुनूंगा, अन्यथा मैं नहीं सुनूंगा। मुझे मत सुना भाई उसकी बात, क्योंकि वो मुझे सुनाना नहीं चाहता। आप देखो कानों की शक्तियाँ वो पड़ेंगी कि तुम्हारे कानों में जो शब्द आएगा वो शब्द मंत्र बन करके निकलेगा। कानों की सिद्धि, जो मैं हूं, मैं कान वाला हूं, कान का चमत्कार करो। मैं आंखों वाला हूं, आंखों का चमत्कार करो। मैं मन वाला हूं, मन का चमत्कार करो। हमारे पास चमत्कारों के भंडार भरे पड़े, चमत्कार करना। मेरे पास मुंह है, मुंह का चमत्कार करो। मैं ऐसी कोई वाणी नहीं बोलूंगा जो सामने वाले की जिंदगी खराब कर दे, जिंदगी बर्बाद कर दे, सब कुछ उजाड़ दे। झूठ बोलना पसंद है जैन दर्शन को, लेकिन ऐसी आवाज बोलना पसंद नहीं है जिसको दूसरे को बर्बाद कर दे, दूसरे को बर्बाद कर दे। मुनि महाराज तक को कह दिया जो सत महावृति हैं, झूठ बोल देना लेकिन वो सत्य मपी विपदे। मेरे सत्य बोलने से यदि दूसरे की इज्जत खराब होती है, दूसरे की जिंदगी बर्बाद होती है, तो सत्य बोलना बंद कर दो, या तो मौन हो जाओ और या फिर झूठ बोल दो। झूठ बोल दो, दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल दो। बताई थी ना एक संस्मरण, एक माँ के बेटे को बचाने के लिए सनराइज ने अपनी फैक्ट्री में आग लगा दी थी। उसके बिना बचा नहीं सकते थे, वो पूरी कहानी बताई थी। ऐसा ही तुम एक वचन का, वचन की सिद्धि हो जाएगी। लोग बोलते हैं महाराज जी वचनों की सिद्धि कैसे होती, कौन सा मंत्र जपो। कुछ नहीं जपना बंधु, एक ही बात, मेरे मुख से वो शब्द नहीं निकलेगा जो दूसरे के लिए अहितकारी हो, दूसरे के लिए दुखदायी हो, दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए,
दूसरे को जेल हो जाए, दूसरे का घर लूट जाए, दूसरे के वो छापा पड़ जाए, दूसरे के डांका डल जाए, दूसरे की इज्जत धूल में मिल जाए। बड़ा शौक है लोगों को, बड़ा शौक है लोगों को दूसरों की बुराई पता भर चल जाए। अरे राम, दूसरों की थोड़ी सी कमी पता चल जाए, ऐसे ऐसे में कौआ खड़े ना ढोर पे, मरा हुआ ढोर दिखा नहीं और कौआ, ऐसे ललितपुर में बहुत सारे कौए हैं जो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं इकट्ठे होंगे, बस उनको पता भर चल जाए कि किसी की आज मजाक उड़ाना है ना, किसी के दोषारोपण करना है। अरे टाइम ही टाइम है, पुरुषों के लिए टाइम नहीं है, अभिषेक के लिए, स्वाध्याय के लिए। और अरे महाराज उसकी बात तो कहो, आज देखता हूँ बेटा को। मत करो रे, मत करो, एक सूकर की भी मजाक उड़ाओगे एक दिन सूकर बनना पड़ेगा। सूकर की भी मजाक उड़ाओगे, सूकर होता ना गंदा, यदि उस पर भी तुमने थूक दिया ना, समझ लो बस एक बार सूकर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने सूकर पे थूक दिया है। गंदा था, गंदा था, लेकिन तुमने थूक दिया और एक लात मार दी। मत करना, तुमने उतनी सी गलती सूकर बनने का निमंत्रण दे दिया। मत उड़ाओ मजाक, मौन हो जाओ। दोष वादे चमौन्यम पूज्यपाद स्वामी, अन्यथा बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर आने वाला है, बहुत जल्दी ऊपर आ, और उस समय तुरंत सोचना इस स्थान पर मैं होता तो हो सकते हो कि नहीं, पहले तो बताओ घटना हो सकती है कि नहीं संसार में। परसों ही कहा था ना, संसार में ऐसा कोई कृत्य नहीं जो किस समय किसके साथ कब घट जाए, हाथ मलते रह जाओगे। दूसरों को जूतों की माला पहनाने वालों, कहीं वो जूतों की माला स्वयं के गले में ना आ जाए। दूसरों की मजाक उड़ाने वालों, कान खोल के सुनो, कल वही मजाक जब तुम्हारा उड़ाया जाएगा आएगा। सबके दिन आते हैं, ये संसार किसी को नहीं छोड़ता। समय निकालो किसी गुणी की प्रशंसा करने के लिए, समय निकालो किसी अच्छे व्यक्तियों की गुणानुवाद करने के लिए। दोषवाद नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे सब मालूम है, सब मेरे ज्ञान में है। महावीर स्वामी कहते मौन हो जाओ, क्यों, तुम्हारे शब्दों में अभी वो ताकत है कि दो शब्द तुम्हारे मुख से निकल जाएं तो सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। तुम वो शब्द निकाल रहे हो जिसमें सामने वाला बर्बाद हो जाएगा, समझना। मोटिवेशन, इस शब्द से मैं वो शब्द भी निकाल सकता हूं जिससे तुम सब बर्बाद हो जाओगे। चिंता मत करना, धमकी नहीं दे रहा हूं, निकालू जल्दी, बोलो ना। दो शब्द निकाल दूं बर्बाद हो जाओगे, नींद हराम हो जाएगी, अच्छे से मर भी नहीं पाओगे। भगवान करे स्वप्न में भी ऐसा शब्द और इस मुंह में वो भी ताकत है महानुभाव,
दो शब्द निकल जाए तो जीवन धन्य भी हो सकता है। महावीर ने कहा, क्यों तेरे मुख से हुए निकले हुए शब्द से उसकी शांति भंग हो जाएगी, तेरे दो शब्द से उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी, तेरे दो शब्दों से वो दुखी हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। मुनिम ले ले, क्योंकि मेरी वाणी में तो वो ताकत है, जितने दो शब्दों में मैं जिंदगी बर्बाद करूंगा उतने ही समय में दो शब्द बोल दूंगा तो कितनों की जिंदगी आबाद हो जाएगी। मुख चंद्र ते अमृत झरे, जग सुहित कर सब अहित हर। क्या कहा पंडित साहब ने, जग सुहित कर सब अहित हर। मुख चंद्र ते, ऐसी वाणी है जो एक अहे हितकारी शब्द हो जाए तो धन्य। कहाँ बोलो बोलो, पूरे 4 महीने हो गए, 6 हो गए। अब भाई अध्यक्ष की परेशानी वही गिन रहा, मुझे तो कोई परेशानी, मैं तो गिन ही नहीं रहा, वही गिन रहा महाराज जी, 6 हो गए, 6 गिन के रोटियां खिला रहा है तुम्हारा पट्टा। अंचली बहुत परेशान है महाराज जी, आपसे तो परेशान है, आप नहीं बोलो तो आफत है। कोई बात नहीं, देखो 6 महीने में भी, ओहो, क्या मैं सब कुछ बोल चुका, क्या तुम सब तुक सुन चुके, बोलो क्या सब तुक सुन चुके, तृप्त हो गए, अभी भी वही प्यास, अभी भी वही भाव कि महाराज के मुख से कौन सा शब्द क्या निकल जाए धन हो जाए। अभी मैं धन करने वाले वाणी ये जम्मू है, जगत को धन करने से ही अभी फुर्सत नहीं मिल रही है, तो किसी के विनाश करने के लिए क्यों लगाऊं, जब फुर्सत में बैठूंगा तब देखूंगा। जब मुझे फुर्सत में मिलेगा तब बैठूंगा, मेरे भक्ति इतने हैं जो मैं बोलते बोलते थक जाऊं लेकिन मेरे भक्त सुनते सुनते नहीं थकते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी समय है, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी गजब है गजब। बोले क्या भैया, आप डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे प्रवचन दे देते हैं, चमत्कार अतिशय, और बिल्कुल बिना देखे बिना ये कुछ ने खूब प्रशंसा की। मन की भावला कहेगा ये कोई चमत्कार नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है ये बंदर दो दो घंटे सुन लेते हैं। धर्म की बात, और आप लोग डेढ़ दो 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 घंटे घड़ी का पता नहीं चले, इसलिए चमत्कार तो इसमें है, चमत्कार मेरे में नहीं है, चमत्कार वक्ता बोल रहा है ये चमत्कार नहीं है, श्रोता सुन रहा है ये चमत्कार है, बाकी वक्ता तो सुनने में डेढ़ डेढ़ घंटे तक सवा पता नहीं चले, घड़ी पता नहीं चले। तो मैं डेढ़ डेढ़ घंटे प्रवचन दे रहा हूं तब भी अभी मेरे भक्त श्रद्धालु तृप्त नहीं हुए हैं, तो मैं इनको तृप्त करने में लगूं कि किसी को बर्बाद करने के वचन बोलूं? नहीं, महावीर कहते श्रमण बस वचन सिद्धि हो जाएगी तुझे, बस एक ही बात बोलना है, मैं दूसरे के अहितकारी वचन बोल सकता हूं, ज्ञान में है नहीं, यदि दूसरे का हमारे द्वारा हित होता है तो मैं झूठ बोलने को भी तैयार हूं, और दूसरा व्यक्ति यदि मेरे वचनों से अशांत होता है उसकी इज्जत धूल में मिलती है। महानुभाव नियम ले लेना, नहीं
गला दबाए तो दब के मर जाना, लेकिन मैं अपने मुंह से दूसरे का शब्द नहीं बोलूंगा। आप ग्रस्तों में चमत्कार हो सकता है, हम मुनियों की बात ही नहीं, आप ग्रस्तों में यदि आपने ये सिद्धि कर ली ना, तो कभी धोखे से अमावस्या निकल गई तो पूनम होना पड़ेगा। सुनाया था संस्मरण जयपुर का, दीवान जी का एक ही बात था, मैं अपने मुंह से विनाशकारी बात नहीं, किसी को दुखी नहीं करूंगा, किसी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। बस इसका परिणाम निकला कि एक दिन उन्होंने राजा ने पूछा कौन सी तिथि है साहब, बोले पूनम, पंचांग में थी अमावस्या। सब ने तहलका मचा दिया, प्रेस्टेज पार्ट बन गई, दीवान जी झूठ बोलते हैं, राजा ने बना लिया, दीवान जी आपके भरोसे हो जाए तो हमारा तो कल्याण ही हो गया, अमावस्या को पूनम बता दिया, पूनम सुबह अमावस्या सुबह। तुरंत कहा कि नहीं, मैंने आज तक कभी झूठ बोला नहीं है और ये झूठ बोल गया। शाम को निर्णय हुआ, बड़ी चौपड़ पर सभा लगी कि देखें अमावस्या के पूनम है, सारे पंचांग झूठे हो गए, अमावस्या के दिन चंद्रमा निकल आया और पूनम हो गई। ग्रस्त की बात कर रहा हूं, मात इतना सा नियम किया है, बहुत बड़ी ताकत है महान बात। तुम अपने पास जो है, जो नहीं है उसकी ताकत नहीं बता रहा हूं मैं, जो तुम्हारे पास है उसको अपनाओ। कल से और आज का प्रवचन यही था, जो है, हम भक्त हैं हम भक्ति के चमत्कार दिखाएं, हम श्रावक हैं श्रावक के चमत्कार दिखाएं, हम मुनि महाराज हैं हम मुनि महाराज के चमत्कार दिखाएं, हमारे पास नमोकार मंत्र है नमोकार मंत्र का चमत्कार दिखाएं, हमारे पास अभिनंदन नाथ भगवान है हम इनका चमत्कार दिखाएं, हमारे पास सभी 28 से 5 फरी पंच कल्याणक है, सारे जगत को दिखाएं चमत्कार। हम क्यों जाते हैं कि विदेश क्षेत्र में कौन से पंचकर्णक को, अरे जो हमारा पंचकर्णक है ये किसी से कम नहीं है, हम इसी अर्घ में दिखाएंगे चमत्कार, हम इन्हीं भगवान को बनाने में दिखाएंगे चमत्कार। और भगवान से भी कहेंगे, भगवान आप में भगवान बनने की ताकत है लेकिन भगवान बनाने की ताकत नहीं, बहु आप में भगवान बनने की ताकत है लेकिन भगवान बनाने की ताकत नहीं है, वो किसमें है बोलो, मेरे में भगवान बनाने की ताकत है, अब तुम भी कम नहीं हो, बोलो महाराज आप में भगवान बनाने की ताकत है लेकिन मूर्ति बनाने की नहीं, मंदिर बनाने की नहीं, और मंदिर नहीं होगा मूर्ति नहीं होगा तो हम क्या खाक भगवान बनाएंगे, महाराज कितना भी कर लो मूर्ति कौन बनाएगा, मंदिर कौन बनाएगा, बस तो हम किसी से, महावीर भगवान की।